घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना और घर संभालना, ये सब तो लड़कियों के काम है। लड़कों का काम होता है जॉब करना, पैसे कमाना और घर चलाना। अगर आप ऐसे ही सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं और साथ ही आप अपने बच्चे का भी नुकसान कर रहे हैं। वो कैसे आई आज हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा कि लड़कों के लिए घर के काम जरूरी क्यों है, क्योंकि आजकल हम अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पालते हैं ताकि समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी की भावना है उसको खत्म करने की शुरुआत हम अपने घर से कर सकें। लेकिन हम यहाँ पर एक गलती कर बैठते हैं, हम लड़कियों को लड़कों की तरह पालने के बार्गेन में उनको कम जिम्मेवार बना देते हैं, बल्कि हमें इसका उल्टा करना चाहिए। हमें लड़कों को घर के कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बचपन में जब उनकी सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप होती हैं तो उन्हें ये बात समझ आ जाए कि घर के काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के साथ घर के काम लड़कों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। इससे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट भी बनते हैं। वो कैसे? जनरली बच्चे 10th के बाद किसी कोचिंग, किसी कोर्स के लिए घर की डिपेंडेंसी से निकलकर इंडिपेंडेंट बाहर रहते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत से छोटे छोटे काम खुद से ही मैनेज करने पड़ते हैं। इवन कि पीजी जहाँ हॉस्टल में रहते हुए कई बार खाना अनहाइजीनिक होता है, खाना बच्चे को पसंद नहीं आता, तो बच्चों को कुकिंग भी खुद करनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आपने अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर किया है तो बच्चा बहुत अच्छे से काम मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर बच्चे ने कभी ये काम किए ही नहीं तो बच्चों के लिए चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कुछ एक बच्चे तो इम्पोर्टेंट कोर्स छोड़कर घर वापस तक चले आते हैं। अभी आती है बच्चे की फैमिली लाइफ यानी मैरिड लाइफ। आजकल जिंदगी को स्मूथ चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का काम करना जरूरी हो गया है। लेकिन अगर एक लेडी जॉब करने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल और घर के सारे छोटे छोटे काम खुद ही करे तो उसका वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है, और फिर ये वर्कलोड ही उसको फ्रस्ट्रेशन में चेंज कर देता है और ये फ्रस्ट्रेशन झगड़े में तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करें तो काम तो जल्दी होते ही हैं, साथ ही आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये तो थी फ्यूचर की बात, अभी बात करते हैं प्रेजेंट की। अगर आप अभी से अपने बच्चे को घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करते हैं तो ये उसकी रूटीन हैबिट में शामिल हो जाता है, और ये हैबिट आपको भी घर के कई कामों में बहुत मदद देती है। फॉर एग्जांपल, जब आप मार्केट जाते हैं और आपके बच्चे के स्कूल से आने का टाइम हो गया तो आपको जल्दी होगी अगर आपका बच्चा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है तो वो स्कूल से आकर खुद यूनिफॉर्म चेंज करेगा, सामान सही जगह पर रख देगा, खाना खुद लेकर खा लेगा और फिर दूसरे काम में एंगेज हो जाएगा। इसी के साथ जब आप अपने बच्चे को घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों को भी प्रैक्टिकली ये बात समझ आती है कि घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो कि दिन भर आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, जिसमें आप दिन भर बिजी रहती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं। तो हम सभी को अब ये समझ आ गया होगा कि बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करने से हमारा और बच्चों दोनों का कितना फायदा होता है, और साथ ही जेंडर इक्वालिटी का भी सही मतलब समझ आया होगा। क्या है वो? लड़कियों को लड़कों की तरह ना पालें, बल्कि लड़कों को लड़कियों की तरह पालें। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अपने बच्चों को काम में इन्वॉल्व करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।